I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I'm not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. Hi everyone. Last week हमने ऊपर के लिए ये जो है वो दिया था और नीचे के लिए ये लेवल था. इसे तोड़ने पर हमें मंदी करनी थी, इसे तोड़ने पर तेज़ी करनी थी और इसमें नो ट्रेड जोन था. तो मंडे को ये हमें गैप अप मिल गया जिससे ये बात पता चल गई कि ऊपर की ओर ही जाने वाला है मार्केट. और हमने कुछ इस तरह से बनाया था और यहाँ पे देखिए यहाँ तक ऊपर गया. इस दिन पर कितना हाई है 22,476 उसके बाद अगले दिन का लो देखिए 22,305 यानी यहाँ हाई बनाकर यहाँ लो बनाकर फिर से ऊपर जैसा हमने इसमें बताया हुआ है. इस तरह में लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आते हैं और हमें ऊपर नीचे का पता चलता है. अब देखा जाए तो ये फिर से वही बन रहा है जो हमने कुछ वीक्स पहले के एनालिसिस में बात की थी, जो था यहाँ पर हेड एंड शोल्डर वाला. और यहाँ पर ये बहुत ऊपर आ गया है. सेम पैटर्न यहाँ पर देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये राइट शोल्डर ठीक वहीं से घुमा है जहाँ लेफ्ट शोल्डर का हेड है. और क्लोजिंग हमें नीचे मिली है, इसका मतलब है नीचे जाने के चांसेस हैं और वो यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है. और एक और चांस है कंसोलिडेशन जोन का, तो उसके लिए हम पाथ बना लेते हैं. सबसे पहले डाउन साइड के लिए कहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ पर ये अगर हेड एंड शोल्डर बनाना है तब की बात है. अब बुल केस सिनेरियो, क्योंकि वीकली क्लोजिंग हमें इन्वर्टेड हैमर मिली है और यहाँ पर पे भी एक जो ओवरबॉट का करेक्शन था वहाँ से बहुत नीचे हैं तो ऊपर जाने के थोड़े चांसेस बच जाते हैं. तो उसके लिए 22,600 को तोड़ना ज़रूरी है. 22,600 तोड़ दिया तो फिर से एक बार 22,600 टेस्ट करके ग्रीनरी. इसके लिए मुझे थोड़ा नीचे करना होगा क्योंकि ये लेवल हमने पहले कभी देखे ही नहीं है. तो कहाँ से घूमेगा, कहाँ से यू टर्न लेगा, कुछ आइडिया नहीं है. और इसका डायरेक्शन होगा ग्रीन. और जो नो ट्रेड जोन है वो ये बीच दो लाइन के बीच में है, वही है यानी 22,220 और ऊपर 22,600 है अब, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया था. थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं. यहाँ से ऊपर तेज़ी करनी है, यहाँ से नीचे या फिर यहाँ से भी कई बार सपोर्ट लेकर ऊपर आ से जाता है तो यहाँ पे गिरने पर जाएंगे, पर वो बहुत आगे की बात है. उसके लिए पहले ये लेवल पहला सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट तोड़ना ज़रूरी है, तभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगी. और हो सकता है इन दोनों में से कुछ ना हो तो ये
कंसोलिडेशन जोन में यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, ये नो ट्रेड जोन कहा जाएगा। तीनों हो गए, नोट कर लीजिए, कुछ सजेशन है तो कमेंट में लिख दीजिए। ये हो गया ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर के लिए चुनाव के नतीजे में बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए इन्वेस्ट कीजिए। डायरेक्ट सीख रहे हैं तब भी, जब तक आप म्यूचुअल फंड को ओवरकम नहीं कर लेते या उसे आउट परफॉर्म कर नहीं कर लेते तब तक म्यूचुअल फंड सही है। कौन से म्यूचुअल फंड सही है उसके लिए आपको हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता लेनी चाहिए। अगर डायरेक्ट करने जाएंगे तो 1-2% का डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस इन फ्यूचर बड़ा हो जाता है। कंपाउंडिंग की दुनिया में आप इक्वेशन में 1-2% कम डालकर देख लीजिएगा 10 या 15 साल के लिए, तो आप देखेंगे एक बहुत डिफरेंस आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ लवली वीकेंड।